अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द यूएस एकेडमी। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर की वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। चैप्टर 4 पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ और चैप्टर 4 पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने चैप्टर 4 की पहली वीडियो नहीं देखी, काइंडली पहले वो जाके देखें, ताकि आपको चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ आने शुरू हो। अगर आप डायरेक्ट पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 का नाम है द ग्रेट विजनरीज। हमने चैप्टर 4 की फर्स्ट वीडियो यहाँ तक कंप्लीट कर ली थी, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास, कायदे आजम कॉल्ड एन एम्बेसडर ऑफ द मुस्लिम हिंदू सोसाइटी। कायदे आजम को हिंदू मुस्लिम सोसाइटी का एम्बेसडर कहा जाता है। द फेमस हिंदू पोएटेस सरोजनी नीडू। पोएट्रेस का नाम हमने याद करना है, क्या पोएट्रेस का नाम है? सरोजनी नीडू। तो ये हमने याद कर लिया, सरोजनी नीडू, ठीक है। तो उन्होंने क्या फरमाया, यूज टू प्रेज हिम, यानी कायदे आजम, यहाँ पे हिम कायदे आजम को कहा गया है। यूज टू प्रेज हिम एज द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ द मुस्लिम हिंदू यूनिटी। हिंदू पोएट जो थे उन्होंने कायदे आजम को द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी करार दिया, क्योंकि कायदे आजम ने मुसलमानों की और हिंदुओं को मिलकर रहने की बात की सियासी तौर पर, और मुल्क में रहने के लिए हिंदू मुस्लिम को एक साथ एक ही शहरी एक ही तरह के हुकूक फराहम किए, उन्हें तफरीक नहीं करी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, ही वाज कॉल्ड सो बिकॉज इन द बिगिनिंग ऑफ हिज पॉलिटिकल कैरियर। कायदे आजम को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कैरियर के स्टार्ट में ही अपना जो पॉलिटिकल कैरियर था, यानी कि सियासी कैरियर था, उन्होंने स्टार्ट से ही वॉज इन फेवर ऑफ मुस्लिम हिंदू यूनिटी। कायदे आजम जो थे हमेशा से ही मुस्लिम और हिंदू यूनिटी के हक में थे। ही वॉन्टेड बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू लिव एज अ सिंगल नेशन। कायदे आजम चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू एक कौम बनकर रहें, विद पीस एंड हारमोनी। पीस यानी कि अमन और सुकून, और हारमोनी मीन्स हम आहंगी। एक मुल्क के अंदर चाहे उनकी मजहबी चाहे उनके मजहब अलग अलग हैं, लेकिन एज अ सिटीजन वो मिलजुल कर रहें। नेक्स्ट पॉइंट है, द मैसेज डिड कायदे आजम गेव ऑन 11 अगस्त 1947। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि कायदे आजम ने 11 अगस्त 1947 को क्या मैसेज दिया। कायदे आजम सैड, यू आर फ्री, आप आजाद हैं। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो योर मॉस और टू एनी अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आप आजाद हैं, आप आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, यानी कि हिंदुओं को कहा। आप आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, यानी कि मुसलमानों के लिए भी फरमाया। और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप, और किसी भी इबादतगाह में जाने के लिए आप आजाद हैं अपने मजहब के लिहाज से। इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की रियासत आपको अपने मजहब के लिहाज से इबादत करने का हक देती है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास, यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और ग्रीड, That has nothing to do with the business of the state. कायदे आजम ने फरमाया कि आप चाहे मजहबी तौर पर किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, किसी भी रंग और नस्ल से ताल्लुक रखते हो, इससे स्टेट को कोई मसला नहीं, यानी कि स्टेट आपको इक्वल राइट्स फराहम करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, वी आर स्टार्टिंग इन द डेज व्हेन देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वन कम्युनिटी एंड अदर। कायदे आजम ने फरमाया कि हम इस मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की तफरीक नहीं की जाएगी एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी के अंदर, यानी कि मुसलमानों की कम्युनिटी और हिंदुओं की कम्युनिटी को इक्वल राइट्स फराहम किए जाएंगे। ये पॉइंट मैं पहले वीडियो में भी क्लियर कर चुकी हूँ कि हर किसी को इंसाफ मिलेगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, इंसाफ की बेस पे फैसले किए जाएंगे। तो यही पॉइंट यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, वी आर स्टार्टिंग विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट वी आर ऑल सिटीजन एंड इक्वल सिटीजन ऑफ वन स्टेट। कायदे आजम ने यहाँ पे भी अपना असूल बताया और फरमाया कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं और यहाँ हर किसी शहरी को बराबर के हुकूक हासिल हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, मैं चीजों को आसान तरीके से समझा। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी, काइंडली पहले पहली वीडियो देख लें, ताकि आपको और चीजें इजीली क्लियर हो जाए। मैंने फर्स्ट वीडियो में काफी डिटेल
डिटेल से चीजें समझाई हैं, इसलिए पहले अगर आप वो देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, नाउ आई थिंक वी शुड कीप दैट इन फ्रंट ऑफ अस एज आवर आइडियल एंड यू विल फाइंड दैट In course of the time, Hindu would cease to be Hindus and Muslim would cease to be Muslims. उन्होंने फरमाया कि मुझे लगता है कि हम एक ऐसी रियासत में हैं, एक ऐसी आइडियल रियासत में हैं, जहां मुसलमानों को मुसलमानों के लिहाज से इबादत करने का हक, उनको अपने मजहब के लिहाज से जिंदगी गुजारने का हक फराहम किया जाएगा और हिंदुओं को अपने मजहब के लिहाज से अपने राइट्स फराहम किए जाएंगे कि वो जहाँ चाहें जिधर चाहें अपने मजहब के लिहाज से इबादत कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नॉट इन द रिलीजियस सेंस, ना सिर्फ मजहबी तौर पर, बिकॉज दैट इज पर्सनल फेथ ऑफ ईच इंडिविजुअल। कायदा ने यह भी बात वाजे कर दी कि मजहब हर इंसान का एक अपना जाती बिलीव होता है, अपना एक जाती फेथ होता है, बट इन द पॉलिटिकल सेंस एज द सिटीजन ऑफ द स्टेट। कायदे आजम ने फरमाया कि एज अ सिटीजन भी हम एज अ पॉलिटिकल सेंस एज अ स्टेट हम मिलकर रहेंगे और हम तफरीक नहीं करेंगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास इकबाल, यानी कि अल्लामा इकबाल के बारे में भी इस चैप्टर में कुछ चीजें शामिल हैं। तो अब हम कायदे आजम के बाद अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ते हैं। इकबाल सेज अबाउट इस्लाम, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अल्लामा इकबाल ने इस्लाम के बारे में क्या फरमाया। इकबाल सेड दैट ही हैड रियलाइज्ड A rather crucial thing about Islam that in the time of difficulties only Islam have saved the Muslims. Allama Iqbal ne farmaya ki mushkil halaat mein unke nazdeek musalmanon ko मुसीबत से निकालने का जरिया इस्लाम बना है, हमारा मजहब बना है, क्योंकि हमारे मजहब में हर मसले का हल बता दिया गया है, हर चीज के बारे में मालूमात फराहम की गई हैं, हर चीज के लिए रहनुमाई फराहम की गई है। He believes that Islam is not just a guiding principle for the Muslim, but also a savior for them. Iqbal ki philosophy इस्लाम के बारे में ये थी कि इस्लाम ने मुसलमानों को सिर्फ असूल और जवाबत नहीं बताए जिंदगी गुजारने के, बल्कि मुसलमान को हर मुश्किल वक्त से निकालने के लिए आसानी फराहम की है, रहनुमाई फराहम की है, और हर बार मुसलमानों को इस्लाम ने बचाया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, कायदे आजम सेड अबाउट इकबाल, ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, अगर आप पास पेपर्स में भी देखेंगे तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, कायदे आजम ने इकबाल के बारे में क्या फरमाया। तो आज हम ये भी पॉइंट क्लियर कर लेते हैं अपना। इकबाल वॉज अ क्लोज कंपेनियन ऑफ कायदे आजम, अल्लामा इकबाल कायदे आजम के एक करीबी दोस्तों में से शामिल थे। कायदे आजम ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिज ओपिनियन, और कायदे आजम ने हमेशा इकबाल की ओपिनियंस की रिस्पेक्ट की। ही सेड दैट इकबाल वॉज अ ग्रेट फ्रेंड, गाइड एंड अ फिलोसफर, नॉट जस्ट फॉर हिम बट टू द मुस्लिम लीग एज वेल। कायदे आजम ने फरमाया कि वो एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे गाइड और एक अच्छे फिलोसोफर ना सिर्फ मेरे लिए थे, बल्कि मुस्लिम लीग के लिए भी वो एक अच्छे गाइड और फिलोसोफर साबित हुए। ही ओनली थॉट वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और कायदे आजम ने फरमाया कि हर बार अल्लामा इकबाल ने बड़े सगीर के मुसलमानों के फलाह बहबूद की फिक्र की और हर बार बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए फिक्रमंद रहे। नेक्स्ट हमारे पास, अल्लामा इकबाल से इन हिज लेटर टू कायदे आजम इन 1937, अल्लामा इकबाल ने कायदे आजम को एक लेटर लिखा। कब लिखा? 1937 में लिखा। उसमें क्या लिखा ये हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन थी, 1973 की जगह 1937 आना था, तो ये करेक्शन आप लोगों ने देख लेनी है, ये मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया है। आपने जब नोट्स बनाने हैं समरी से तो इसको करेक्ट करके लिख लेना है, ठीक है। आगे हम स्टार्ट करते हैं। ऑन 21 जून 1937, ये डेट हमने याद करनी है, ये डेट हमसे एमसीक्यूज में पूछी जाती है, तो डेट हमने साथ साथ पढ़ ली। 21 जून 1937, इकबाल रोड टू कायदे आजम, अल्लामा इकबाल ने खत के अंदर कायदे आजम को लिखा, अ सेपरेट फेडरल स्टेट ऑफ मुस्लिम प्रोविंस फॉर्म ऑन द लाइंस आई हैव प्रपोज्ड। अल्लामा इकबाल ने कायदे आजम को लिखा कि एक सेपरेट फेडरल स्टेट इसी सूरत में बन सकती है मुसलमानों के लिए, यानी कि जहां मुसलमानों की अक्सरियत है। अल्लामा इकबाल ने मैप के ऊपर उन एरियाज को हाईलाइट किया कि यहां यहां मुसलमानों की अक्सरियत है और इन इलाकों को पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए। तो उसी
बात का जिक्र करते हुए अल्लामा इकबाल कायद-ए-आज़म को बोलते हैं कि एक सेपरेट फेडरल स्टेट मुसलमानों के लिए इसी सूरत में कायम हो सकती है कि जो मुस्लिम प्रोविंसेस हैं यानी कि जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं, सूबे हैं, जो मैंने मार्क किए हैं, जो मैंने पेश किए हैं, इज द ओनली वे बाय विच वी कैन हैव अ पीसफुल इंडिया एंड सेव मुस्लिम फ्रॉम द रूल ऑफ नॉन मुस्लिम्स। अल्लामा इकबाल ने यहाँ पे भी मुसलमानों की फलाह की बात की, मुसलमानों के फायदे की बात की। उन्होंने फरमाया कि एक यही तरीका है, जो लाइंस मैंने आपको पेश की हैं, जो एरिया मैंने आपको आइडेंटिफाई किए हैं, उनको अगर पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाए, इसी सूरत में हम एक पीसफुल इंडिया यानी कि जो एरिया इंडियन स्टेट में आने हैं वो इंडियन स्टेट में चले जाएंगे, और जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके पाकिस्तान में शामिल होंगे उनसे मुसलमानों के लिए ये भला होगा कि मुसलमानों पे नॉन मुस्लिम का जो रूल था उनके ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जो नॉन मुस्लिम रूल करते हुए आ रहे थे, उनसे मुसलमानों को निजात मिल जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इकबाल मेक डिमांड फॉर अ स्टेट। अल्लामा इकबाल ने एक अलग मुमलिकत की डिमांड की। इकबाल हैड फाउंड इफेक्ट्स इन द फिलॉसफी ऑफ द वेस्ट व्हिच वाज अटरली कॉन्ट्रैडिक्टरी टू दैट ऑफ मुस्लिम इस्लाम। अल्लामा इकबाल वेस्ट की जो फिलॉसफी थी, वेस्ट की जो दुनिया थी, अल्लामा इकबाल की फिलॉसफी ने वेस्ट की जो उनके मुआशरे की डिफेक्ट थे यानी के जो उनके मुआशरे की बुराइयां थी, खराबियां थी, वो हाईलाइट की। मोर ओवर ही हैड रियलाइज दैट नाइदर ब्रिटिश और नॉर हिंदूज आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम। और उन्होंने अपने फलसफे में भी ये बारहा शामिल किया कि वेस्ट यानी के ना ही ब्रिटिश और ना ही हिंदू मुसलमानों के इंटरेस्ट की बात कर सकते हैं, मुसलमानों के फायदे की बात कर सकते हैं। तो मुसलमानों को अपनी रियासत कायम करने की जरूरत है, मुसलमानों को शऊर बेदार करने की जरूरत है। तो उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों को आजादी का खौफ दिखाया, उन्होंने आजादी के लिए जद्दोजहद की और बरसगीर के मुसलमानों को शऊर दिया कि वो अपने हक के लिए आवाज बुलंद करें। देयरफॉर ही डिमांड अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स। जब उन्होंने ये बात वाजे कर दी कि ना ही ब्रिटिश और ना ही हिंदूज मुसलमानों की फेवर में हैं, मुसलमानों के इंटरेस्ट की बात नहीं करते वो, तो इसलिए उन्होंने एक सेपरेट नेशन की बात की, एक सेपरेट मुल्क की बात की और उसकी डिमांड की और उसे फिर और उस ख्वाब को फिर हकीकत बनाया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ये सारे पॉइंट बहुत मेन पॉइंट्स हैं, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप ये चैप्टर्स अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से समरी को समझ लेंगे, अच्छे से पॉइंट समझ लेंगे और नोट डाउन करके याद कर लेंगे, तो आपके एग्जाम्स में नंबर अच्छे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं सारी मेन पॉइंट्स, डेट्स आप लोगों को साथ साथ एक्सप्लेन करती जाती हूँ। जो भी मुश्किल टर्म आ रही है मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ और आपके लिए आसान बना रही हूँ चीज़ों को। तो काइंडली जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास अल्लामा इकबाल एज अ फिलोसोफर। एज अ फिलोसोफर अल्लामा इकबाल के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमने उस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देना है। अल्लामा इकबाल वॉज वेल वर्स इन फिलोसफी यानी कि अल्लामा इकबाल के जो कलाम थे, वर्सेस कहते हैं, शेर कहना, मिसरा कहना, तो अल्लामा इकबाल जो है वो उनके जो शायरी फलसफे थे वो बहुत ही खूब थे, बाकमाल थे, बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। चाहे अल्लामा इकबाल ईस्ट के बारे में लिखें या वेस्ट के बारे में लिखें, उनकी जो शायरी थी, उनकी जो फिलोसफी थी वो बहुत ही खूबसूरत होती थी। उनके कलाम आज भी हमारे बुकों में शामिल है, हम उसको पढ़ते हैं और आज भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। He pointed out the defect in some of the philosophical system of the West. और अल्लामा इकबाल ने अपनी फिलॉसफी में वेस्ट के जो डिफेक्ट्स थे यानी कि वेस्ट के जो सिस्टम के अंदर बुराइयां थी, माशरती बुराइयां थी, मजहबी तौर पे उनकी जो चीजें अलग थी मुसलमानों से, उस चीज को हाईलाइट किया और मुसलमानों को वो चीज बताई कि हम लोगों को जो इस्लाम ने जिंदगी गुजारने का असूल बताए हैं, जवाबत बताए हैं, तरीके बताए हैं, अगर हम उन पे चलेंगे तो हम दुनिया की बेहतरीन कौमों में से होंगे। ना सिर्फ हम दुनियावी तौर पर अच्छे होंगे बल्कि हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। ही ऑल्सो गॉट अ डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम म्यूनिश यूनिवर्सिटी for his work on the Persian philosophy. ये point MCQs में भी पूछा जाता है कि अल्लामा इकबाल ने कौन सी डिग्री ली और किस यूनिवर्सिटी से ली। किस यूनिवर्सिटी से ली थी? डॉक्टरेट डिग्री ली अल्लामा इकबाल ने और यूनिवर्सिटी थी म्यूनिश यूनिवर्सिटी। किस लिए ली?
अपने काम को परस्यू करने के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए पर्शियन फिलोसफी में, क्योंकि अल्लामा इकबाल फलसफा लिखते थे, फलसफा कहते थे, फारसी में जो फलसफे, फारसी में जो कलाम, फारसी में जो शायरी किया करते थे अल्लामा इकबाल, तो अल्लामा इकबाल ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और उस वजह से वो फिर वेल वर्थ फिलोसफिकल पर्सन कहलाए गए। ही ऑल्सो पुट फॉरवर्ड द फिलोसफी ऑफ पाकिस्तान इनाज कायदे आजम टू मेक इट अ रियलिटी। अल्लामा इकबाल ने जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा था वो भी उनकी फिलोसफी का एक हिस्सा था। इस चीज के पीछे उनकी सोच थी, फिक्र थी मुसलमानों के लिए, इसलिए उन्होंने कायद आजम से मशवरा करके इस ख्वाब को, इस पाकिस्तान को हकीकत बनाया और हम लोगों को, मुसलमानों को आज़ादी दिलवाई। तो इस चैप्टर की समरी यहीं पे एंड होती है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ आसानी से समझाऊं, इसलिए मैंने इस चैप्टर की दो पार्ट्स कर दिए थे। दोनों ही पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोगों ने जो भी वीडियो नहीं देखी उसको काइंडली देख लें। मैंने चैप्टर 9 के स्टार्टिंग से सारे ही चैप्टर्स की समरी आपके साथ शेयर की है, तो आप मेरे चैनल पर जाके वो भी देख सकते हैं। तो काइंडली लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड subscribe my channel. Thank you.